अस्सलाम वालेकुम जी नाजरी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक हो? चले जी, आज हम आपको बताएंगे कि जो रोटियां बच जाती हैं ना, यानी कि आपने रात को रोटियां बनाई हैं तो आपकी बच गई हैं, वो बासी रोटियां हो गई हैं, तो उनको ज़ाया नहीं करना आपने उनकी। जी हम आपको चूरी बनाएंगे, उनकी दिखाएंगे कि उनकी चूरी कैसे बनती है, क्योंकि रोटियों को ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि गंदम बहुत महंगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बचत करें जी। ये देखें जी, हमने केतली रखी है ऊपर, इसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल दिया है, और इसके अंदर डालेंगे अब चीनी, चीनी और घी डालेंगे, तो फिर इसके अंदर रोटियां डाल के उनकी चूरी बनाएंगे जी। ये चीनी डाल दी हमने, थोड़ा सा पानी डालना है और चीनी डालनी है, और अब डालेंगे घी। ये इसके अंदर डाल दिया है घी, ये देखें जी, हसबे ज़रूरत आप घी डाल लें और चीनी भी हसबे ज़रूरत, और नीचे धीमी धीमी आग जला लें। ये देखें जी माशाल्लाह, अब ये चीनी का शीरा हो जाएगा तैयार। आज माशाल्लाह मौसम बहुत खुशगवार है जी, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंडी हवा भी चल रही है। सर्दी का आगाज़ जो है ना, आज से असल में शुरू हुआ है सर्दी का आगाज़। आज सर्दी जो है ना, सही बिल्कुल सर्दी हो गई है। और ये देखें जी, ये रोटियां हमने जो बारीक बारीक करके ना, वो उस शीरे के अंदर डाल दी हैं। ये चम्मच के साथ उसको अच्छी तरह हला लेंगे, यानी चम्मच के साथ उसको अच्छी तरह उसके अंदर हल कर देंगे। इसी तरह आपकी जो रात वाली रोटियां हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएंगी, और आप जो है पेट भर के खा भी लेंगे, मज़ेदार भी होंगी, आपकी रोटियों की बचत भी होगी। ये ऊपर हमने उसको थोड़ा सा ना दम दे दिया है, थोड़ी सी अंदर स्टीम बन जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह, आग जल रही है, आग अब ज़्यादा हो गई है, अब इसको निकाल देते हैं, आग हो जाएगी कम। ये हम आग जलाते हैं, आग का कुछ और ही मज़ा है जी, गैस का और आग का बहुत फ़र्क होता है, खाने में टेस्ट का बहुत फ़र्क होता है जी। ये देखें जी, ये कोले जल रहे हैं नीचे, और चूरी को हमने दम दिया हुआ है। ये मिट्टी का चूल्हा है हमारा, अब ये ऊपर से उतारते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये स्टीम बन गई थी अंदर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गई चूरी, ये देखें। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और खाते हैं शौक से। इस तरह आपकी रोटियां ज़ाया नहीं होगी, आपका अनाज जो है वो ज़ाया नहीं होगा। चले जी, अब नीचे उतार लेते हैं। माशाल्लाह जी ये देखें जी, ज़बरदस्त जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये जी चूरी हो गई हमारी तैयार, अब करते हैं टेस्ट। चले जी माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह। ये कोलों के ऊपर अब हम बनाएंगे चाय। ये कावा हमने ऊपर रख दिया, पहले हमने रोटियां बनाई थी, फिर हमने चूरी बनाई है, अब हम बनाएंगे चाय। ये अब हम चाय बना रहे हैं जी।
ये देखें जी, कावा हमारा हो गया तैयार। अब हम डालेंगे इसमें दूध, तो ये फिर इंशाल्लाह चाय भी बन जाएगी हमारी, रोटियां भी हमारी बन गई और चूरी भी बन गई, और ये साथ चाय भी बन जाएगी, तो इंशाल्लाह मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये माशाल्लाह जी, देखें ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं जी, ये अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया जी हमें, हम तो इस काबिल नहीं है कि अल्लाह पाक फिर भी हमें दे रहा है जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी। ये देखें जी माशाल्लाह, चाय भी अब हमारी हो गई है तैयार। माशाल्लाह ये देखें जी, उबाले आ रहे हैं अब ज़बरदस्त जी। माशाल्लाह ये हल्की हल्की आग पे ही माशाल्लाह जी पक गई है चाय। माशाल्लाह जी ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी चाय भी अब हमारी बन गई है जी। चले जी, आज इंशाल्लाह जुमातुल मुबारक है, तो अब हम करते हैं तैयारी जुमे की। तमाम भाइयों से भी गुजारिश है, अभी जुमे की तैयारी करें और वक्त पे जाकर जुमा अदा करें। नमाज भाई साहब भाइयों को मेरी गुजारिश है, बल्कि इल्तजा है सब भाइयों से कि नमाज ज़रूर पढ़ा करें भाई। नमाज की भाई माफ़ी नहीं किसी को भी, दुनिया तो भाई आरजी है, आखरत की फ़िक्र करें जी। दुनिया तो आरजी है, फ़ानी है, दुनिया ने तो ख़त्म हो जाना जी। वो आखरत की ज़िंदगी बहुत लंबी है जी, वो कब्र की जो घड़ियाँ हैं ना वो बहुत सख्त है जी। कब्र में बहुत अंधेरा है जी, बहुत सख्त होती है कब्र की जो आजमाइश है ना वो बहुत सख्त है। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो वक्त पे नमाज़ पढ़ा करें और मस्जिद में वक्त पे जाएं। और आज भी जुमा है जी माशाल्लाह, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वक्त पे जाकर जुमा अदा करें। खतीब के मिंबर पे बैठने से पहले पहले आप जाएंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऊँट की कुर्बानी का सवाब देंगे जी। वज़ू घर से करके जाएं और इंशाल्लाह ऊँट की कुर्बानी का सवाब हासिल करें। चलें जी, इसी के साथ जमील भाई को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। पाकिस्तान जिंदाबाद।